चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। आप सभी लोगों को बॉलीवुड फिल्म मुकद्दर का सिकंदर तो याद ही होगा, जिसमें बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी दर्शकों को दिखाया गया था, जो दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। लेकिन अब मुकद्दर का सिकंदर भोजपुरी में भी बनने जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि भोजपुरी में मुकद्दर का सिकंदर बनने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक मुकद्दर का सिकंदर का ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो मुकद्दर का सिकंदर में भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश यादव निरहुआ नजर आने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 16 आना यह सच खबर है। जी हाँ, खबर तो यही आ रही है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ अपना मुकद्दर का सिकंदर लिखने वाले हैं। अब देखना यह है कि मुकद्दर का सिकंदर में और कौन से हीरो फाइनल होने वाला है, इसका खुलासा कब किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि अभी तक मुकद्दर का सिकंदर का कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि फिल्म कब शुरू किया जाएगा या फिर इस फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट है। लेकिन इतना कंफर्म हो चुका है कि मुकद्दर के सिकंदर में दिनेश लाल यादव निरहुआ को फाइनल कर लिया गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो फिल्म की शूटिंग बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा। खबर की माने तो मुकद्दर का सिकंदर का शूटिंग नेपाल के खूबसूरत वादियों में किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है और इस फिल्म को कौन डायरेक्ट करेगा ये भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरीके से 2019 में निरहुआ का जलवा सर चढ़कर बोलने वाला है, उससे यह कहना तय है कि निरहुआ 2019 के साथ साथ 2020 में भी फिल्मों का जबरदस्त धमाका करने वाले हैं।